गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस, रोल्स और इम्पोर्टेंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज की। सबसे पहला है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की जब हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में रिलेशन क्या है। अगर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू होती है, वो सिक्योरिटी वहाँ पे सक्सेसफुल तभी होगी जब उस सिक्योरिटी के लिए सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्लेस है जहाँ पे आप परचेज और सेल करते हो उन सिक्योरिटीज़ को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, वो किसी भी सिक्योरिटी को कब खरीदता है प्राइमरी मार्केट में, जब उसके लिए सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कि अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो सेकेंडरी मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रही है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है सिक्योरिटीज़ को, कि जब आपको ज़रूरत है आप उस सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गाइड्स इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। शेयर मार्केट हर एक टाइप ऑफ की जो इन्फॉर्मेशन है शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, जो भी लिस्टेड वहाँ कंपनीज हैं उनके बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिश करती है। उस इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पर वो अवेलेबल करवाती है। इन केस किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को कोई इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है वो नहीं देती है तो वो उस कंपनी को डीलिस्ट कर सकती है। तो ये कंपनीज को इन्फॉर्मेशन देना, स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है, और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन ले सकता है कि किस टाइप ऑफ कंपनी की सिक्योरिटी में उसे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट जो है दैट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, फुली प्रोटेक्ट करती है वो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हो वो सेफ होती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवा रहा है लिक्विडिटी आपकी सिक्योरिटीज़ को, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें डबल बेनिफिट हो जाता है कि अगर मार्केट प्राइस में चेंज हुआ है सिक्योरिटीज़ के तो वो उससे बेनिफिट कमा सकते हैं। दूसरा, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस हैं शेयर मार्केट प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को, तो वो इन्वेस्ट करती है अपनी मनी सिक्योरिटीज़ में, और पब्लिक की मनी फर्दर आगे किसको मिलती है, इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरीके से वो प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उससे प्रमोट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ब्रॉड बेस्ड ऑनरशिप। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है रेडी मार्केट प्रोवाइड करवाने के लिए शेयर्स को। इसका मतलब जब जिसने भी प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटीज़ को खरीदा था, बाय उसे किया था, वो जब चाहे आगे उसे सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में। इसका मतलब कि जो भी आपके पर्सन्स हैं, जो ऑनर्स हैं आपके उन सिक्योरिटीज़ के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकते हैं। तो जो ब्रॉड बेस्ड ऑनरशिप है वो आपकी इनकरेज हुई। नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। सिक्योरिटीज़ को आप बाय और सेल किस लिए करते हो, सेकेंडरी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो बाय और सेल जो आप करते हो, प्रॉफिट जो कमाते हो, वो किस वजह से कमा पाते हो आप, क्योंकि प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है उसमें चेंज होता है, और मार्केट प्राइस में चेंज जब हो रहा है उससे अगर आप प्रॉफिट और लॉस कमा रहे हो तो उसी को स्पेकुलेशन कह रहे हैं। मतलब जो मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है उसको पहले से स्पेकुलेट करके कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप अपनी शेयर्स को बाय और सेल करते हो, और उसी पूरे प्रोसेस को हम स्पेकुलेशन कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द रिलेवेंट एक्ट, जो ये स्पेकुलेशन है स्टॉक मार्केट में, ये अलाउड है। नेक्स्ट इज योर लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करवाता है लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप मोबिलाइज करते हो सेविंग इन्वेस्टर से, पब्लिक से, सेवर से, इन्वेस्टर से, और उसे चैनलाइज आप करते हो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। जो इन्वेस्टर्स है उसे रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है, अप्रिशिएशन उसके शेयर्स की हो रही है, मतलब मार्केट प्राइस जो है उसके शेयर्स का इंक्रीज हो रहा है, या डिविडेंड उसे मिल रहा है, या इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी प्राइजेस स्टॉक मार्केट में शेयर्स के आते हैं,
इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर है वो इवेलुएट कर सकता है कि उसकी सिक्योरिटीज़ की वर्थ क्या है, और उसके प्राइस को ऑब्जर्व करके वो डिसीजन ले सकता है कि कब उसे सिक्योरिटीज़ को बाय करना है और कब उसे सिक्योरिटीज़ को सेल करना है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने इन्वेस्टर सर्विस सेल अलग से खोला हुआ है जो रीएड्रेस करता है जो भी कंप्लेंट इन्वेस्टर्स की आती हैं उनको, और जो भी कंप्लेंट अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या क्लियरिंग हाउसेज आ रही हैं उन सबको वो रीएड्रेस करता है। तो इस तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्प करता है इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में विद मिनिमम रिस्क। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को पब्लिक डेप्ट रेस करने का। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आप स्टॉक एक्सचेंज पे अगर करते हो तो कंपनी की इमेज इम्प्रूव होती है। स्टॉक मार्केट डाटा प्रोवाइड करवाती है रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को। शेयर प्राइस इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का वो एक्ट करता है एज अ बैरोमीटर जो बताता है इकोनॉमिक कंडीशंस कंपनी में कंट्री में कैसे प्रिवेल करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है उसे रेगुलेट करने के लिए और ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटीज मार्केट की सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को इनैक्ट किया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। तो जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956 ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि जो भी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में हो रही हैं और स्टॉक एक्सचेंज जो हैं उनको रेगुलेट करे। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के वो हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, जो भी अनडिजायरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस जो भी सिक्योरिटी मार्केट में हो रहे हैं उन्हें प्रिवेंट करना, ऑर्डरली डेवलपमेंट इंश्योर करना स्टॉक मार्केट्स की, रूल्स बनाना रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज और इंश्योर करना प्रॉपर मैनेजमेंट स्टॉक एक्सचेंज की और क्लियरिंग ऑपरेशंस ऑफ सिक्योरिटीज की। ये जो इसके अंदर मेन प्रोविजंस दिए गए हैं ये आपको फुल फ्लेश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रोविजन किस किस चीज़ से रिगार्डिंग है। जैसे ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज को, कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंजेस का, देन विड्रॉवल रिकॉग्नाइजेशन कब होती है, विड्रॉवल रिकॉग्नाइजेशन की पावर टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न, प्रोविजन रिगार्डिंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पावर सेबी के पास है अमेंड या बनाने की, जो भी लॉज है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के, पावर है सस्पेंड करने की बिजनेस किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, डायरेक्शंस इशू करने की पावर है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस इशू करने की पावर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है दैट इज डेप्ट मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट जो है उसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों मार्केट है। डेप्ट मार्केट डील करती है आपकी बॉन्ड्स लोन्स से, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है। जो कंपनी है जो भी इशू कर रहा है डिबेंचर या बॉन्ड उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे आपके डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है डेप्ट मार्केट में। डेप्ट मार्केट को हम फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहते हैं। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इशू कर रही है, अदर गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या कंपनीज इशू कर रही हैं वो डील आप करते हो डेप्ट मार्केट में। जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मेच्योरिटी 12 महीने या उससे कम की अगर है तो वो मनी मार्केट में होगा डील, लेकिन अगर 12 महीने से ज़्यादा की है तो उसे आप डील करते हो जो कैपिटल मार्केट का डेप्ट सेक्टर है उसमें। जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स उसमें आते हैं वो है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो ट्रेड होता है वो पार्ट है डेप्ट मार्केट का, जिसमें फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स आ जाते हैं। डेप्ट मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। पहले जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट या जिसे गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है। जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है इंडिया के। इस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप डील करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब वो सिक्योरिटीज जो इशू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? क्लेम ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पैसा आपसे लिया है, आप
गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट उसने इशू किया था उसको आप क्लेम कर सकते हो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट वो आपको पे करे। ये टोटली सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं, इसीलिए इन्हें गिल्ट एट सिक्योरिटी कहा जाता है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक्स हो गया या आपके बड़े बड़े डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दैट इज़ कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट। कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज़ में डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स इस सेक्टर आ जाते हैं जो इशू करती हैं कंपनीज। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक टाइप का लोन एक्नॉलेजमेंट है जो कंपनी करती है कि उसने जो पैसा है वो पब्लिक से लिया है। कंपनी उस डॉक्यूमेंट को, उस सर्टिफिकेट के ऊपर अपना सील लगाती है, उसके ऊपर मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है कब पैसा लिया है, कब वो पैसा रिटर्न करेंगे आपको और किस इंटरेस्ट पे उन्होंने पैसा आपसे लिया है। नॉर्मली जो इंटरेस्ट की पेमेंट है इसके ऊपर आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स की जाती है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। जो भी कंपनी रेज करती है पैसा बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स उसे लोन कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ प्रॉब्लम्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है कैपिटल मार्केट्स की इंडिया में। पहला है फेलियर इन चेकिंग स्पेक्यूलेशन। हम कह तो रहे हैं कि सेबी और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं और वो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन को, स्पेक्यूलेशन को चेक करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल जो सेबी है या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन को स्टॉक मार्केट में चेक करने के लिए, और जिसकी वजह से जो भी स्कैम्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलें तो हर्षद मेहता स्कैम का हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या केतन पारिक स्कैम जो हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फेलियर इन चेकिंग स्कैम। सेम चीज़, जो रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं इन चेकिंग स्कैम्स जो भी स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं। नेक्स्ट, कन्फाइंड ओनली टू सिटी। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो डीपली पेनेट्रेट नहीं करते ऑल ओवर द नेशन। जो सिटीज़ हैं, कुछ लिमिटेड सिटीज़ हैं जहाँ पर वो उनकी जो एक्टिविटीज़ और जो अवेलेबिलिटी है वो हो पाती है। नेक्स्ट इज फेलियर इन चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब कंपनी का कोई एम्प्लॉई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ कर जिस इंफॉर्मेशन से जो प्राइस है शेयर्स का वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, उसका यूज़ कर प्रॉफिट कमाता है, या उस इंफॉर्मेशन को किसी और को देखकर अपने रिलेटिव को या किसी और को पास ऑन करके उस इंफॉर्मेशन को उसका फ़ायदा करता है, तो उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये गलत एक्टिविटी है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ हैं, वो फेलियर रही हैं इन चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग की स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करेगा वो गवर्नमेंट फ्रेम करती है। अगर जो डेवलपमेंट है उसके लिए स्टॉक सिक्योरिटीज मार्केट की, उसके लिए कोई परमिशन देनी है तो परमिशन देने में डिलेज होते हैं, जिसकी वजह से जो करप्ट एक्टिविटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और जो बैडली इफेक्ट करती हैं स्मूथ फंक्शनिंग स्टॉक एक्सचेंजेस की। नेक्स्ट इज़ योर डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडियन कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिग इंस्टीट्यूशंस है वो उनका डोमिनेंस है। मतलब अगर कंपनी के शेयर्स निकले हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, LIC, GICs हैं, ये मेजर जो शेयर्स हैं वो होल्ड करके रखते हैं, जिससे वो जो शेयर्स के प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट में उसको वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग पॉइंट्स है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।